दोस्तों मैं यहाँ पर एक बहन और बैठी थी, उनसे भी मैं आपको मुलाकात कराती हूँ। तो चलती फटाफट बिना देर किए मैं पहले उनसे बात करती हूँ। तो दी आपका नाम क्या है बताइए? अनीता यादव नाम है। तो आप ये प्लेटफॉर्म पे कब से आई हो? 7 महीना हो गया मुझे। अच्छा 10 महीना हो गया। तो आप जब इस प्लेटफॉर्म पे आप आई थी तो आपके घर वाले सपोर्ट किए थे कि नहीं किए? नहीं, मेरे हस्बैंड सपोर्ट किए थे और कोई नहीं सपोर्ट किया था। सपोर्ट नहीं किया? कोई नहीं किया था। ये सब बातें बताऊंगी तो आंखों में आंसू आ रहे थे बहुत। कोई बात नहीं, आप हमारे यूट्यूब के लिए आप बताइए जो है। हाँ, बहुत तकलीफ हुआ था जब हमने चालू किया। मुझे चैनल बनाना भी नहीं आता था। मैं असलियत बात कहूँ तो मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन यूट्यूब पर देखकर हमने सर्च मार के चैनल भी बना लिया हमने किसी किसी तरह से। जब हमने चैनल अपना बनाया तो मुझे नहीं पता चला कि मेरा चैनल बन गया है। उसके एक हफ्ते बाद मुझे पता चला कि मेरा चैनल बना है। अपने आप से हमने एक गाना अपलोड किया था तो मुझे पता चला कि मेरा चैनल बना हुआ है। तब हमने फिर अपना वीडियो डालना चालू किया। फिर हमने ससुराल के लोग बहुत सभी लोग टॉर्चर करने लगे कि आप क्या कर रही हो, इज्जत जा रही है गाँव की और आप ऐसे कदम उठा ली है, कितनी इज्जत जा रही। तो हमने कहा कि हम किसी के घर में चोरी नहीं कर रहे हैं, गाना सिर्फ तो डाल रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। तो हमारी मम्मी को पता चला और पापा को, भाई को पता चला, तो वो लोग कुछ नहीं कहे, लेकिन हाँ एक दो बार बोले कि आप यूट्यूबर बन के देखते हैं क्या कमा लेती हो, चलिए चलते रहिए, कुछ जो करती हो करते रहिए, लेकिन कुछ नहीं बोले। फिर अब वो लोग सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन हमारे ससुराल के लोग बहुत मुझे टॉर्चर किए, बहुत कुछ बातें कहे, लेकिन हम सबको पीछे करते हुए, सबको इग्नोर करते हुए मैं इसको नहीं छोड़ी हूँ और अब इसी पर मैं गाना गीत गा रही हूँ। देखिए हर लेडीज़ को बहुत ही समस्या आती है, क्योंकि घर का काम, घर को भी देखना पड़ता है, बाहर को भी देखना। और फिलहाल जो बाहर वाले तो बोलते बोलते घर वाले जो बोलते हैं ना, देख अगर बाहर वाले मतलब बोलते कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अगर घर वाले फैमिली में ये जो घर वाले जब बोलते हैं तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट तो बोलते ही रहते हैं। तो अभी भी मतलब बोलते हैं? नहीं नहीं, अब कोई नहीं बोलता। अब नहीं बोलते हैं? बोलते हैं, सपोर्ट भी नहीं करते हैं, बोलते भी नहीं। वो क्योंकि वो सोचते हैं ना मैं बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो इनको करना है वो करेंगी। हाँ, अच्छी बात है। देखिए अगर जाती हूँ तो लोग मुझसे बोलते भी नहीं है, वो लोग बोलते भी नहीं, कुछ नहीं बोलते हैं, बातें भी नहीं करते हैं कोई। देखिए ऐसा ना करिए, अगर मेरे यूट्यूब पर किसी अगर वो देखना देख भी रहे होंगे तो प्लीज़ इनका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। देखिए महिला किसी चीज़ में कमज़ोर नहीं, अगर ये आगे आना चाहती है, अपने फील्ड में आना चाहती है। हाँ, लेकिन मेरे पति देव मेरा सपोर्ट कर रहे हैं बराबर, जो मैं कहती हूँ, जहाँ मुझे जाना होता है मुझे लेकर जाते हैं और मेरा बराबर फुल सपोर्ट करते हैं। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, यही अच्छा लगता है। तो देखिए इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है, बड़ी खुशखबरी क्या सकती है कि अगर हस्बैंड साथ दे रहा हो तो सब दुनिया से इंसान लड़ जाता है। हाँ, सही है। हाँ, बस अगर पति साथ दे दे तो सबसे दुनिया से लड़ जाएंगे। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। इससे बड़ी चीज़ हो नहीं सकती है। तो जाने दीजिए, कोई बात नहीं, आज यहाँ पर हो कल इससे और जाओगे ना। जो आपसे नहीं बोलते हैं ना वही आपसे पूछेंगे और वही बात करेंगे तो कहेंगे, और जो अगल बगल वाले कहेंगे ना ये हमारा भी चैनल बनाया था, कैसे गाँव वाले जो बोलते हैं भाई हमारा चैनल बोलते हैं, ऐसे लोग होते हैं। पहले मैं गोंडा में रहती थी, अब मैं अयोध्या फैजाबाद में रह रही हूँ। वहाँ पर हमने ज़मीन लिया, वहाँ मैं अलग रह रही हूँ, सबसे अलग हूँ। बस इसी सब बातें को लेकर बस बहुत मुझे परेशानी आई और अपने बच्चे को लेकर मैं अलग रहती हूँ। आपके पास बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे, हमारे एक लड़की है, एक लड़का है। पढ़ा रही हूँ बच्चे। हाँ, तो ऐसा है ना जब आप इस फील्ड में उतर गई हो ना तो पीछे मुड़कर कभी मत। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं। आपके हस्बैंड हमारे साथ है ना? हाँ, साथ। बड़ी चीज़ है, देखिए मेरे हस्बैंड है, हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, किसी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। जो मेरे हस्बैंड और मैं अपनी खेती बाड़ी भी अपने से कर लेती हूँ, अपने भैंस रखी हूँ, सब कर लेती हूँ, दूध खोया का काम भी होता है मेरे यहाँ, ये सब मैं कर लेती हूँ। और इसको सब लेकर मैंने गाना को मैनेज कर लेती हूँ, गाना भी गा लेती हूँ। चलो इससे अच्छी क्या चीज़ है, सबसे बड़ी खुशी है कि हस्बैंड अगर साथ है तो दुनिया से इंसान लड़ जाएगा। तो सास ससुर गांव घर को सुनोगी ना तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। मेरी दुआ है कि हमारे पति हमारे साथ हैं, इतनी दूर मुझे आना पड़ा और हम पति ने हमारे संघर्ष किया, हमें यहाँ पर लेकर आए और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मुलाकात करके। थैंक यू, मुझे भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मैं भक्ति मुझे बहुत अच्छा पसंद लगता है, मैं भक्ति ही गाना गाती हूँ। अपने चैनल का नाम, मेरा चैनल का नाम अनीता यादव राधे राधे है। अच्छा, तो आपने 2 चैनल खोला था, एक ही चैनल? नहीं, पहले तो एक ही था, आज 5-6 दिन हो गया, एक चैनल और खोल दिया, ब्लॉग डालती हूँ। वगैरह आती है कि नहीं? नहीं नहीं, अभी मोनो ही नहीं, अभी मोनोटाइज नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मेहनत करिए आप, पीछे बिल्कुल मत हटना, जब आगे निकल चुके हो तो आगे ही चलना, पीछे कभी मत देखना, क्योंकि दुनिया है। हाँ, बोलने दीजिए, कहावत कही जाती है कि कुत्ते होते हैं हाथी चली जाती है, तो वही हिसाब है। देखो भैया गलत बोला है तो बताइए, आपने बहुत सत्य बोला है। अगर गलत लगे तो बोलिए कि हाँ बहन आपने गलत बोला है, क्योंकि देखिए अगर हम लोग दुनिया को देखेंगे ना भैया, हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
सुनेंगे, क्योंकि अगर हम दुनिया की सुनेंगे तो पीछे ही रह जाएंगे। तो जैसे ये बहन है इनके ऊपर बहुत अत्याचार, मतलब कोई इनसे बात ही नहीं करता, कुछ बोलता नहीं, खाली उनके हस्बैंड, सबसे बड़ी बात है अगर हस्बैंड साथ दे दे तो औरतें दुनिया से लड़ जाएंगी। इनके हस्बैंड 5 क्विंटल 6 क्विंटल गोवा एनी टाइम बना देंगे। और इस बार हम लोग अयोध्या जाने वाले हैं, अगली चक्कर तो अंबिका भैया के घर पे रुके, इस बार इनके घर पे रुकना है जी। और आपका भी स्वागत, चलिए चलिए ठीक है। अच्छा यही हस्बैंड है आपके? हाँ। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी बहन के साथ आप खड़े हो, क्योंकि देखिए अगर आप साथ नहीं होते थे आज यहाँ तक नहीं जाते। तो आपने अपने बारे में कुछ बताइए। क्या जी अपने बारे में बताइए, नाम परिचय। हमारा घर है अयोध्या, हम डेयरी का काम कर रखा हूँ। घुमाने के लिए बोली कि हमें ले चलो घुमा लाओ, दुकान बंद करके यहाँ चले आए घुमाने। आप सबकी दुआ रही तो आपसे इस मुलाकात हो गई, सिर्फ अपनी पत्नी के कारण। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। वो तो